आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख महत्तम का 19वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। वैशाख मास का महत्तम सुनाते हुए ऋषि श्रुतदेव जी ने मिथिलापति से कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें वैशाख महत्तम का और भी अधिक फल सुनाता हूँ, सुनो। पंचाल देश के राजा भूरि यश का पुत्र पुरु यश अत्यंत पुण्य आत्मा और बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का राज्य करता था, परंतु पूर्व जन्म में पुरु यश ने जल दान नहीं किया था, इस कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देखकर उसके कई एक शत्रु राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा प्रास्त होकर अपनी शिखनी रानी और कुछ धात्रियों के सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता के साथ वहां पर कई वर्ष व्यतीत किए। अब राजा के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि मैं जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूँ, मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया है, परंतु ना जाने मेरे सब पुरुष कहाँ चले गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे यह घोर दरिद्र व पराजय मुझे प्राप्त हुई और मैं वनवास के दुखों को भोग रहा हूँ। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब राजा के स्मरण करते ही दो मुनीश्वर यज और उपयाजक वहां आकर उपस्थित हो गए। राजा ने उनको देख सहसा खड़े होकर भक्तिपूर्वक शीश नवाया। वनवास के दुखों से दुखी राज चिन्ह से हीन वन के मारक को ना जानने वाला वह राजा थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर रोता हुआ उन दोनों मुनियों के चरणों में गिर गया। तब दोनों मुनियों ने पकड़कर राजा को उठाया। इसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया। जब वह दोनों बैठ गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज, मैं जन्म से तो शुद्ध हूँ, पितरों और देवताओं का पूजन भी करता हूँ, पाप से डरता हूँ, प्राणियों पर दयावान हूँ, गुरु की भक्ति में प्रीति रखने वाला हूँ, फिर क्या कारण है कि मैं ऐसा दरिद्री हो गया हूँ, मेरा सब कोष नष्ट हो गया है, शत्रुओं ने मुझको जीत लिया है, वन का वासी अकेला मैं क्यों रह गया, मेरे पुत्र पोत्र भाई बंधु मित्र कोई नहीं रहा, मैं निष्पाप होकर राज्य किया करता था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया, इसका कारण आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर थोड़ी देर सोचकर वह दोनों मुनि याज और उपयाजक कहने लगे कि हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याध रहा है, 10वें जन्म में भी तू बड़ा कठोर हृदय व्याध का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने में यमराज के समान था। जब 10वें जन्म में तू गोड़ देश में था और अपने घोर बुरे कर्मों से लगा हुआ यात्रियों को निर्दयता से कष्ट दिया करता था, तो उसी समय धूप से व्याकुल दो बड़े धनवान वैश्य और एक वेद वेदांगों को जानने वाले कर्शन नाम वाले मुनि वहां पर आए।
सिर पर जटा, देह पर छाल के वस्त्र, हाथ में कमंडल लिए, उनको आता देखकर तू धनुष बाण लेकर उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। फिर उनमें से एक वैश्य को मारकर तूने सब धन छीन लिया। जब तू दूसरे वैश्य को मारने लगा तो वह सारा धन वहीं घास फूस में फेंक कर डर के मारे भाग गया। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, तब कर्षण मुनि जो उन वैश्यों के साथ था, व्याध के हाथ से मारे जाने के भय से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गए। तब उस व्याध ने गिरे हुए ऋषि से पूछा कि वैश्य ने धन कहाँ छिपाया है। फिर एक घड़े के पानी से उनके हाथ मुँह धोए और उनको मूर्छा ना आ जाए, इस कारण उन पर पंखे से हवा करने लगा और मुनि से कहा कि जब तक मैं इस वन में सशस्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर मैं करूँगा भी क्या। तुम केवल मुझे यह बताओ कि उस वैश्य ने धन को कहाँ छिपाया है। यदि ठीक नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। तब कर्षण मुनि बोले कि वह वैश्य धन को इन वृक्षों में फेंक गया है और स्वयं उधर भाग गया है। तब व्याद ने ऋषि से कहा कि निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पक्के तालाब में निर्मल जल है, वहाँ जाकर जल पीकर अपनी थकावट को दूर कर अपने स्थान पर चले जाना। व्याद ने कहा, अभी राजा के कर्मचारी वैश्य का रुदन सुनकर और पांव के निशान देखते हुए इधर ही आ जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह पंखा ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार तुम उस मुनि को पंखा देकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उसकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा अब सुख राज्य, धन धान्य, लक्ष्मी, स्वर्ग या सायुज्य मुक्ति पाने की है तो वैशाख धर्मों का पालन कर, तुमको संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। इस मास का नाम माधव मास भी है और तृतीय का नाम अक्षय तृतीय है। इस दिन तू तत्काल ब्याही गो ब्राह्मण को दान में दे, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। छत्री के दान से तुझको राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर, माधव भगवान की पूजा कर, दिव्य प्रतिमा के दान से तेरी विजय होगी। यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्रों की है तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवा। हे राजन, इस वैशाख माह के धर्म और कर्मों को करने से समस्त लोग तेरे वश में हो जाएंगे। इतना कहकर दोनों कुल पुरोहित, याज और उपयाजक अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। तब वह महाप्रकर्मी राजा कुल पुरोहितों के कथन अनुसार वैशाख धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना को लेकर पंचाल नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार पुरुयश ने अपना खोया हुआ सारा राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। इति वैशाख महत्तम 19वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।